Welcome back to Sheikh Ayan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Sheikh Sheikh. Ladies and gentlemen, आज की एक अच्छी खूबसूरत स्ट्रगलफुल सक्सेस स्टोरी CMAs की सक्सेस स्टोरी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं. और आज के CMA साहब हैं मियां मोहम्मद अकरम फ्रॉम पर्थ ऑस्ट्रेलिया. मियां साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम सईद साहब, क्या हाल है? मियां साहब के साथ हमारा बहुत पुरानी दोस्ती है. आई थिंक आई नो हिम सिंस मोर देन 20 इयर्स. और पता लगा कि जनाब ये काफी स्ट्रगल वाली, जैसे एक अच्छी खूबसूरत प्रोफेशनल की लाइफ होती है फुल ऑफ स्ट्रगल. तो आज मियां साहब से हमने दरख्वास्त की है हमें टाइम दें ऑनलाइन बैठकर और जूम के ऊपर अपनी जो स्ट्रगलफुल लाइफ है वो बताएं, अब तक की अचीवमेंट्स, अब तक की फेलियर, अब तक की सक्सेसेस. और ये जो हम लेडीज एंड जेंटलमैन आपसे शेयर करते हैं ये अपने न्यू कमर्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है, ताकि उनको हम गाइडलाइन दे सके, उनको मोटिवेट कर सके कि प्रोफेशनल में कितनी खूबसूरती है जब हम मेहनत करते हैं उसके बाद जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है, उसका रिवार्ड होना. मियां मोहम्मद अकरम साहब ये बताएं, आपने ICMA का जो सफर है ये आपने कब स्टार्ट किया और फिर आपने ICMA कब क्वालिफाई किया? सर, ICMA में एडमिशन जो है वो 1993 में लिया है. जी जी जी. और चूंकि मेरी पहले से बैकग्राउंड थी वो अकाउंटिंग की थी, आई कंप्लीटेड माय बीकॉम इन 1992. सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीकॉम आई टुक एडमिशन इन ICMA पी इन 1993. ठीक है, तो आपने 93 में एडमिशन लिया, उसके बाद 2000 में आपने क्वालिफाई किया लाहौर से. तो ये 7 साल में आपने क्वालिफाई किया, क्या कोई अटेम्प्ट आपने मिस की थी मियां साहब? नहीं, उसमें ये है कि मैंने जब ICMA में एडमिशन लिया है तो पार्ट फर्स्ट का वो जो है एक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एग्जेम्प्ट हो गई थी. और इसी तरह जी पार्ट फर्स्ट की प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एग्जेम्प्ट हो गई थी और इसी तरह पार्ट टू का भी एक सब्जेक्ट जो है वो एग्जेम्प्ट हुआ था. तो इस तरह पार्ट टू के पार्ट वन के 2 सब्जेक्ट मैंने क्लियर किए और पार्ट सेकंड के मैंने 2 सब्जेक्ट क्लियर किए. और इस तरह फर्स्ट अटेम्प्ट्स में भी, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट पार्ट किया और इसी तरह सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सेकंड पार्ट जो है. आप साथ साथ जॉब भी कर रहे थे ICMA के पास करने के साथ साथ आप जॉब भी कंटिन्यू किया हुआ था आपने? जॉब मैंने आफ्टर क्वालिफाइंग पार्ट थर्ड आई स्टार्टेड माय जॉब. ठीक है जी. So first I will explain how I completed my part third. वो तो स्टूडेंट का एक स्ट्रगल है ना, वो तो आपने की. स्टूडेंट की स्ट्रगल तो होती है उसमें. तो असल ये बताइए कि जो जॉब करने के साथ साथ जो जॉब करने का एक्सपीरियंस होता है उसकी वैल्यू एडिशन जो है उसके साथ साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होती है जब हम एक क्वालिफाई करते हैं प्रोफेशनल कोर्स. वो थोड़ी सी डिफिकल्टी बताए कि आपकी जॉब के टाइमिंग क्या थी, क्या वो क्लैश था कोई ICMA जी के साथ? नहीं, वो ऐसा है कि जॉब जो है वो जनरली सुबह के वक्त जो है वो 9 to 4 या 9 to 5 जो है वो जॉब की जाती है. और ICMA में उस वक्त जो है वो इवनिंग में भी क्लासेस जो है वो होती थी और मैं जनरली इवनिंग में क्लासेस जो है वो पढ़ा करता था स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट 3. चले माशाल्लाह, ये तो अच्छा हो गया. आजकल so, भी वैसे क्लासेस इवनिंग में माशाल्लाह होती है ICMA में. ये बड़ी खूबसूरती है कि जो जी बिल्कुल आजकल भी हो रही है और उस वक्त भी हो रही थी. अच्छा अच्छा सर, ये बताएं जब आपने क्वालिफाई कर लिया 2000, आई थिंक यू क्वालिफाइड इन 2000 ICMA. थोड़ा सा वेट करना पड़ा?
नहीं एक्चुअली ये जॉब तो मैं ऑलरेडी कर रहा था वहां पे पेपर एंड बोर्ड मिल में, और वो जॉब मेरी जो है वो कंटिन्यू रही। इन द मेन टाइम मैं कुछ अदारे जो हाईली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे मैं टीचिंग भी करता रहा हूँ, उसमें इंक्लूडेड है ये हजवेरी यूनिवर्सिटी गुलबर्ग में, जो हजवेरी यूनिवर्सिटी लाहौर है, इस तरह जो खास तौर पे मैं ऑडिट एंड अकाउंट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो गुलबर्ग में है, जहाँ पे सीएसएस के प्रोबेशनर जो आते हैं आफ्टर सक्सीडिंग आफ्टर देयर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन दे जॉइन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आई वाज आल्सो टीचिंग सीएसएस प्रोबेशनर्स फॉर द लास्ट 3 इयर्स। माशाल्लाह बड़ी बात है, ये बड़ी खिदमत है जी, आपने साथ साथ अपने प्रोफेशन में टीचिंग भी की है, बच्चों को पढ़ाया भी है, ये बड़ी खिदमत की बात है जी। तो आप तो जी और उसके बाद आप जब ऑस्ट्रेलिया में 2012 में जाते हैं, तो इस दौरान माशाल्लाह 12 साल का प्री ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस है आपको पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में 8 साल का एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा ये बताएं कि फिर ऑस्ट्रेलिया में आप वाया लीगल चैनल इमिग्रेशन गए हैं। इससे पहले मैं ये आपको बताना पसंद करूंगा कि इन 2005 आई जॉइंड आईसीएमएपी एज ए डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन एंड देन टिल 2012 आई वाज डायरेक्टर एजुकेशन ऑफ आईसीएमएपी द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर वी क्वालिफाइड। इन 2012 आई माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, माशाल्लाह। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से दो फ्रेंड जो हैं उन्होंने रिसीव किया था और शुरू में उन्हीं के पास आके रहे, लेकिन वो 1 या 2 वीक जो है उनके पास रहे, उसके बाद जो है फिर अपनी रेजिडेंस जो है वो लेके अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट किया। माशाल्लाह। अच्छा, वहां जाके जो वो जो स्ट्रगल करनी पड़ती है एक प्रोफेशनल को, इमिग्रेशन पे आप गए और वहां पे आपने जाके जैसे आपने बताया 15 दिन के लिए कोई आपको मेहमानदारी मिल गई, बड़ी अच्छी बात है, सो नाइस ऑफ देम। उसके बाद फिर आपने अपने सफर का अलग आगाज कर लिया, फिर आपको पहली जॉब कब मिली मियां साहब वहां ऑस्ट्रेलिया में? वो ऐसा है जी कि वो कुछ ना कुछ यहाँ का स्टडी करना पड़ता है, यहाँ की ट्रेनिंग लेना पड़ती है, अदरवाइज जॉब जो है वो वेरी डिफिकल्ट है कि हम अपने वहाँ के एक्सपीरियंस या वहाँ की क्वालिफिकेशन पे अगर हम इन्हिसार करें, डिपेंड करें, तो बड़ा डिफिकल्ट है। तो एज रिजल्ट यहाँ पे मैंने एक टैक्स अकाउंटेंट्स का एक नेटवर्क चलता है एच एंड आर ब्लॉक टैक्स अकाउंटेंट्स का एक पूरे ऑस्ट्रेलिया में नेटवर्क है, वो टैक्सेशन मैटर्स की ट्रेनिंग देते हैं। मैंने वहां पे 6 मंथ जो है वो स्टडी की उस हवाले से, वो टैक्स के हवाले से, और फिर उन्होंने मुझे टैक्स कंसल्टेंट का वो जो है वो सर्टिफिकेट दिया, और फिर मैंने वहीं उनके यहाँ जॉब करनी शुरू कर दी H&R ब्लॉक। मतलब आपने सर्टिफिकेशन करने 6 महीने सर्टिफिकेशन ली, फिर आपको वहीं पे जॉब भी शुरू कर दी। वेरी गुड। तो इसमें वैल्यू एडिशन वो जॉब की ऑफर जी, वो उनका कार्य यही है कि वो जॉब भी ऑफर करते हैं, जो पास कर लेते हैं उनका एग्जाम वो उनको जॉब भी देते हैं वहां पे टैक्स कंसल्टेंट। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी तो आपकी वो पहली जॉब जो थी आफ्टर 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आपको मिली, और इस वक्त आपकी माशाल्लाह कितने सेट हैं वहां पे माशाल्लाह? इस वक्त भी मैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट यहाँ पे उसी अदारे के साथ जो है एज ए टैक्स कंसल्टेंट मैं जॉब कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड पीटीवाई लिमिटेड अक्रम इंटरप्राइजेस पीटीवाई लिमिटेड के नाम से यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, और उसमें आई हैव इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस आल्सो। You have export and वो भी कर रहे हैं, साथ अब टैक्स कंसल्टेंसी का वहां काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ऐसा माशाल्लाह 8 साल हो गए आपको ऑस्ट्रेलिया में और 12 साल आपने पाकिस्तान में जॉब की है। जैसे लोग कहते हैं जी बाहर चले जाओ तो गड्डियां तो कारा तो कोठियां, तो वो माशाल्लाह इसका मतलब है कि जिंदगी खूबसूरत सेट है, फैमिली आपके साथ है, यू आर एंजॉइंग द प्रोफेशनल लाइफ माशाल्लाह।
शेख साहब, इट डज नॉट मीन के लाइफ इज वेरी इजी, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, वी विल हैव टू डू अ हार्ड वर्क, बट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इफ अ पर्सन इज हार्ड वर्क, हार्ड वर्किंग पर्सन डेफिनेटली ही कैन एंजॉय बेनिफिट्स ऑफ हिज एबिलिटीज. ब्यूटीफुल. तो आजकल वहां पे अगर कोई पाकिस्तानी आईसीएम में इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे कि वहां की मार्केट कैसी है और क्या चैनल क्या है आप पाकिस्तानी आईसीएमए का, वहां पोजीशन क्या है मार्केट? एक्चुअली यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ पीपल आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, वन टाइप इज स्टूडेंट एंड अदर आर पीआर, परमानेंट रेजिडेंट्स. ठीक है. सो आई विल एडवाइज टू आईसीएमएपी मेंबर्स कि दे शुड अप्लाई एज ए पीआर, परमानेंट रेजिडेंट दे शुड अप्लाई, दे शुड नॉट अप्लाई एज ए स्टूडेंट बिकॉज स्टूडेंट फेस मोर डिफिकल्टीज देन परमानेंट रेजिडेंट. अच्छा 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 स्टूडेंट फेस मोर डिफिकल्टी देन पीआर. द पीआर तो उस वक्त लेकर आएंगे ना जब वो क्वालिफाई करेंगे, उससे पहले तो शायद मतलब दे डोंट क्वालिफाई. आफ्टर क्वालिफाइंग ICMAP it is easy to get immigration. It is easy to get immigration. माशाल्लाह. तो आपके पास जैसे आपकी कंसल्टेंसी फर्म भी है, क्या आपकी फर्म इस पोजीशन में होती है जो आपके प्रोफेशन के भाई वहां जाते हैं या जाना चाहते हैं उन्हें कोई टिप्स दे दे, कोई उन्हें प्रोफेशनली गाइड कर दे? जी यहाँ पे आके ये हर एक के लिए ऑफर है. मिनिमम कॉमर्स ग्रेजुएट जो है he can study H and R block, they took classes and after take a examination, if anybody can pass the examination, training examination of H and R block, they can job. They will offer job automatically. Very good. So they can get the job automatically. लेकिन क्या मार्केट में जॉब सर हैं जब आप पीआर में चले जाते हैं और फिर अगर जैसे आपको माशाल्लाह आपने बताया जी आपको दो हफ्ते के बाद जब आपकी मेहमानदारी आपने करके आपने पांव पे आ गए, देन यू स्टार्टेड योर ओन डोमेस्टिक अफेयर्स, पे 6 महीने की आपने ये सर्टिफिकेशन ऐड की, वो तो अच्छी बात है. आपको वैल्यू एडिशन करनी पड़ती है. क्या मार्केट में जॉब है आज के बच्चे को अगर कहें कि तुम जाओ तो सेट हो जाओगे, है ऐसा है सर? ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटीज हैं सर, ऑस्ट्रेलिया में जॉब जो है वो मिल जाती है. लिटिल बिट स्ट्रगल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल जाती है. मैंने कोई भी ऐसा ICMAP मेंबर नहीं है जिसको जो के विदाउट जॉब हो, उन्हें कोई जॉब मिल जाती है. ये अलग बात है कि कोई सम मेंबर्स मे बी वेल सेटल्ड एंड अदर मेंबर्स मे बी लो सेटल्ड. अपॉर्चुनिटी है तो आगे बढ़ने की चांसेस भी है. बहुत अच्छी बात है. एक मियां साहब आपने मुझे अपनी जिंदगी माशाल्लाह एक आपने मुझे बताया था कि आपने दिए की लाइट में बैठ के अपनी पढ़ाई मुकम्मल की जब आप अपने अबाई घर में थे, तो वो क्या एक्सपेक्ट? ये सर बेसिकली हमारी जो बेसिकली मेरा काश्तकारी काश्तकार है गांव के रहने वाले हैं, तो ये बेसिकली मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है और मैट्रिकुलेशन एजुकेशन जो है वो मैंने इवन स्टिल बी काम टिल कंप्लीशन ऑफ बी काम आई डिड माय स्टडी इन दिया एंड लैंटर्न. ग्रेजुएशन बी काम आपने लालटेन की लाइट में पढ़ा है क्योंकि वहाँ लाइट नहीं थी. और माशाल्लाह माशाल्लाह जी बड़ी बात है जी. और ये मोहब्बत की बात है अपने इल्म के साथ. और देखिए उस इल्म ने जो आपने हासिल किया आपको कितनी इज्जत शान शौकत बख्शी और आज आप बैठे अपनी सक्सेस स्टोरीज अपने नौजवानों के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने कुलीग के साथ फख्र के साथ बयान कर रहे हैं कि मैं दिए की रोशनी में चिराग की रोशनी में पढ़ने वाला बंदा हूँ. आज मैं खुद मशले चिराग हूँ, रोल मॉडल हूँ, चिराग हूँ अपने न्यू कमर्स के लिए. तो भैया साहब और कोई बात आप शेयर करना चाहें अपने एक्सपीरियंस की हमारे नौजवानों की मोटिवेशन के लिए, प्लीज जरूर करें. आपके पास 2-3 मिनट है बिफोर वी क्लोज दिस शो.
सईद शेख साहब, यहाँ मैं ये बात करना नहीं भूलूंगा कि एक्चुअली आपसे जो तल्लक है वो 1994 का है। आप उस वक्त क्रिसेंट ग्रुप में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे और आपसे ही गाइडेंस लेने के लिए मैं हमेशा जाया करता था आपके ऑफिस में। तो ICMA कंप्लीट करने में डेफिनेटली बहुत ज्यादा रोल है मेरी, समझ लें कि गाइडेंस आप एक मौसम की हैसियत रखते हैं, तो अब हमने गाइडेंस जो है वो हमेशा ली है। तो अब भी मैं ये कहूंगा कि जो भी ICMA में एडमिशन लेते हैं उनको हार्ड वर्क तो जरूर करना चाहिए। ICMA जो है वो विदाउट हार्ड वर्क इट कैन नॉट बी क्वालिफाइड। सो और इसके साथ साथ जो है वो अपने टीचर्स, अपने जो सीनियर्स हैं उनकी भी खिदमत जो है उनको हासिल करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि हाउ आई कैन क्वालिफाई, हाउ आई शुड स्टडी, हाउ मच टाइम। हर एक को अपना एक मेंटर होना चाहिए। अगर आपको मेंटर मिल जाए और मेंटर जो है आपका आपको आपके साथ कंसल्टेशन करते रहे अपने मेंटर के साथ, आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। दिस व्हाट यू आर सेइंग। जी डेफिनेटली कोई मॉनिटर वो अडॉप्ट करना चाहिए और मॉनिटर जो है वो यकीनन सीनियर बंदा जो है वही मॉनिटर जो है वो होता है। आपने अपनी खूबसूरत बातें शेयर की हमारे नौजवानों के लिए, तो यंग पीपल के लिए आप क्या मशवरा देना चाहोगे? व्हाट यू वांट टू से टू द यूथ ऑफ द प्रोफेशन? I will advise to the youth that we should not lose our struggle. We should continue even if we are failing in our objectives. We should continue our efforts. One day will come, we will be successful. Beautiful. बहुत अच्छी बात की है खवातीन हज़रात, मियां मोहम्मद अकरम साहब FCMA फ्रॉम सिडनी। कितनी खूबसूरत बातें की हैं, अपनी स्टोरी, अपनी स्ट्रगल, अपने अचीवमेंट्स, अपने सक्सेसेस उन्होंने शेयर की हैं फॉर द मोटिवेशन ऑफ द यूथ, फॉर द मोटिवेशन ऑफ द न्यू कमर्स, और उनके उनके करियर काउंसलिंग में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। डोंट लूज द होप, ए गुड डे विल कम और दैट विल बी योर डे। और चाहे आप धीरे की लाइफ में अपने पढ़े, आप अपनी कंसिस्टेंसी रखें, मेहनत करते रहें अपने मिशन के साथ। जिंदगी का एक मकसद है और उस मकसद पे रहें और अच्छे पथ पर रहें। ये सिर्फ अच्छा मकसद क्या हो सकता है कि आपने तालीम हासिल कर ली, आपने आगे बढ़ा और तालीम की मंजिलें हासिल करते करते वो ये मियां मोहम्मद अकरम साहब आज माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया गए भी उनको 8 साल। तो ऑब्वियसली ही इज अमंग्स द गुड पर्सन जो कि ICMA में जो अच्छा नाम कमा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट का, अपने मुल्क का। अल्लाह ताला मियां साहब आपको खुश रखे, आपने हमारे यंगस्टर के लिए, हमारे लिए बड़ी अच्छी बातें की हैं। और आप कोई और कुछ कहना चाहते हैं? बेसिकली आई विल से कि हर बंदे में जो क्वालिटीज जो हैं वो हैं, उस क्वालिटीज को यूटिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए हर बंदे को, एफर्ट्स करनी चाहिए कि वो अपनी फुल कैपेसिटीज, अपनी फुल क्वालिटीज जो है उनको यूटिलाइज कर सके, इनर एबिलिटीज जो है वो उनको यूटिलाइज कर सके। माशाल्लाह जी भैया साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। खवातीन हजरात, अल्लाह ताला आपको, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की, आसानियां बांटने की, नेकियां करने की, नेकियां बांटने की, नेकियों के बारे में एक दूसरे को तरकीब देने की तौफीक दे पाए। Thank you very much. Thank you, sir.